नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। नाम नंदलाल, चेयरमैन बीआर पब्लिक स्कूल संजयपुरी सेक्टर 23। ये शिक्षा का स्तर सर हमारा जो एंशिएंट काल से रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और आज की जो हमारी परिस्थितियाँ थोड़ी सी सरकारी स्कूलों में जो सुधार जिस उम्मीद के साथ होना चाहिए था, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसका स्तर थोड़ा सा गिरता चला गया, जिससे कि हमारे वैज्ञानिक जो कि आज के डेट में हमारा देश सुपर पावर बन सकता था शिक्षा के माध्यम, आज हम विदेशों में जाते हैं जबकि एंशिएंट काल में हमारा नालंदा इतना ज्ञानी ज्ञान का केंद्र रहा दुनिया का और जहाँ से दुनिया ले जाती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि वहीं पर हम अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं, हम यूरोप के कंट्रियों की तरफ भाग रहे हैं। बात अच्छी है कि वहाँ अगर अच्छा ज्ञान है तो उस ज्ञान को यहाँ भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि आज हमारे हालांकि सरकार जिस उम्मीद के साथ हम लोग ये रखते हैं कि हमारी सरकारी शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं। नैतिक शिक्षा में गिरावट का कारण है जो हमारी आज शिक्षा के व्यवसायीकरण जो हुआ है, जबकि हम लोग ये शिक्षा को एक हर शिक्षक एक कर्तव्य मान के चलता था, लेकिन आज वो संभल नहीं रहे हैं। आज इसको शिक्षा को व्यवसायीकरण मान लिया गया है, जिस व्यवसाय के चलते इसमें गिरावट आ रही है। नहीं, यौन शिक्षा को तो पाठ्यक्रम में अगर सिक्स क्लास से हम कर दें उसके फायदे ही होंगे, जिससे झिझक के चलते हम कई चीज़ें नहीं बता पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसके के परिणाम जीवन में आगे चलकर ठीक नहीं निकल पाते। खबरों में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 48।